जन्म कोटि लगी रगर हमारी और परम शंभु न तरह कुआरी। मैं महादेव का ही वरण करूंगी, नहीं तो कुआरी रह जाऊंगी, चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना हो उनमें। तो महादेव को इतना सुनना था कि वो फूल के कुप्पा हो गए कि छाती फूल गई। उन्होंने कहा देखा देखा मेरे प्रति श्रद्धा, मेरे प्रति समर्पण, कुछ सीखो पार्वती जी से, इसे कहते हैं श्रद्धा। कितनी बुराई तुम लोगों ने की, लेकिन वो नहीं मानी। देखिए तो सप्तऋषियों ने कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, कोई आपके प्रति श्रद्धा वद्धा नहीं है, ज्यादा गलतफहमी में आपको आने की जरूरत नहीं है प्रभु। तो अरे तो फिर ये सब क्या है, ये सब क्या कहा उन्होंने? कहा वो तो कह रही थी केवल कि नारद वचन न मैं परिहरूं और बसउ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। अरे गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेही, तजउ न नारद कर उपदेशु और आप कहीं सत बार महेशु। यदि सौ बार आके महादेव भी कह देंगे ना, तो भी मैं नारद जी की बात से टलने वाली नहीं हूँ। ये है गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा। माता पार्वती से देखिए सीखिए, माता मधु प्रयास करिए गुरु के प्रति इतनी ही श्रद्धा हो। इसीलिए तो प्रसंग को हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे, यही तो कारण है कि महादेव गोद में बिठाए रहते हैं माता पार्वती को, इसी श्रद्धा के कारण। और कोई कौन सी बात चर्चा करेंगे हम लोग इस बारे में आगे। माताओं बंधुओं, महादेव ने कहा ठीक है, बड़ा गुरु के प्रति उनका प्रेम है, वो भी मैं परीक्षा लूंगा, देखूंगा कितना प्रेम है और कितने बड़े उनके गुरु जी विद्वान है। सारी परीक्षा आगे ली, उसकी चर्चा हम लोग परमात्मा चाहेंगे तो कल परसों में करेंगे। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ तो माता पार्वती परीक्षा में पास हो गई, दूसरी तरफ एक घटना और हो गई। माताओं बंधु घटना ये हो गई कि ताड़कासुर नाम का राक्षस, उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया और सारे देवता सारे मनुष्य सब लोग ताड़कासुर के आतंक से परेशान हो गए। तो देवताओं ने मीटिंग बुला के कहा कि ये ताड़कासुर का वध कैसे होगा? तो सबने कहा देखिए ताड़कासुर का वध तो होगा जब महादेव और माता पार्वती के द्वारा कार्तिकेय भगवान का जन्म होगा, उन्हीं से ताड़कासुर का वध होगा। लेकिन जन्म तो तब होगा जब विवाह होगा। भाई हम लोग पश्चिमी सभ्यता के लोग तो है नहीं, संस्कार है, सनातन धर्म है, विवाह आवश्यक है। तो कहा महादेव विवाह करने को तैयार नहीं है, कैसे विवाह हो जाएगा? तो देवताओं ने कहा कि जब देवों के देव महादेव नहीं मान रहे विवाह करने के लिए, तो क्यों ना देवों के देव कामदेव की मदद ली जाए, उनसे कुछ मदद मांगी जाए। माताओं बंधुओं आप सब लोग पहुंचे कामदेव के पास और कामदेव से कहते हैं कि कामदेव अरे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। क्या मदद करनी है? कहा दरअसल बस थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, ऐसा कोई बहुत आवश्यक बात नहीं, हमें महादेव के हृदय में उत्क्षोभ उत्पन्न करना है, उनकी समाधि तोड़नी है, बस और कुछ नहीं, बस इतना सा काम है। तो कामदेव ने कहा अच्छा बस इतना सा काम है? बोले हाँ इतना सा काम है। कामदेव ने कहा अच्छा माने बलि का बकरा बनाने के लिए भी तुम लोगों को मैं ही मिला था इस संसार में, इतना सा काम है? देवताओं मैं जानता हूं कि आप जिस काम के लिए कह रहे हैं ना, महादेव की समाधि तोड़ने के लिए कह रहे हैं, उस काम के बाद महादेव मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है मेरा। लेकिन फिर भी चूंकि मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, किंतु फिर भी इस कार्य से समाज का कल्याण जुड़ा है, अगर मेरे एक के मरने से पूरे संसार को बचाया जा सकता है तो तदपि करब मैं काज तुम्हारा, क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकारा। माताओं बंधुओं परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अथवाई, इसलिए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे भगवान ने चाहे तो। परोपकार से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है, काम विकार होकर भी काम देव हो गए, इसीलिए क्योंकि पर हित लागे तजई जो दे संतत संत प्रसंस ही ते ही, तो चलत मार वस हृदय बिचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। इतना तो जानते ही थे कि मरना निश्चित है। अब माताओं बंधुओं कामदेव चले, तो जब चले कामदेव तो उनको मालूम था कि अब तो मरने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आपको भगवान ना करे, इसीलिए तो भगवान ने यही चीज अपने हाथ में रख रखी है कि हमको यही नहीं मालूम कि हमको मरना कब है, किसी को नहीं मालूम इस संसार में कब मरना है। मान लीजिए आपको पता पड़ जाए कि आपकी मृत्यु कब है, तो क्या करेंगे आप? अरे भाई सब परीक्षित तो है नहीं, परीक्षित भगवान की तरह। अब आपने कल तक भागवत में सब सुनाई कि 7 दिन का समय है, वो आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने लग जाए, शुभदेव भगवान से उपदेश लेने लग जाए, सब तो परीक्षित है नहीं। और परीक्षित जी तो फिर भी सौभाग्यशाली थे कि उनको मालूम था कि 7 दिन बाद मृत्यु होनी है। हम लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि हमको जाना कब है, फिर भी अमर बन के हम लोग घूम रहे हैं संसार में जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। तो लेकिन पता पड़ जाए कि कब मरना है तो क्या होगा? दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? किसी पता पड़ जाए कि फांसी जिसको लगनी होती है रात में, पूछो उसकी उसकी रात कैसे कटती है जिसको फांसी की सजा होनी हो। तो कामदेव के साथ भी यही हुआ। क्या हुआ? ये कि हम लोग कहते हैं ना कि गाड़ी में हॉर्न को छोड़ के सब बचता है, माने गाड़ी किसी काम की नहीं है, बेकाम है। अरे भाई नौकर बड़ा अच्छा है, झाड़ू अच्छे से लगाता है, पोछा अच्छे से लगाता है, सफाई अच्छे से करता है, एक कमी है बस, मालिक की बात नहीं मानता। आप बताइए उस नौकर की कोई उपयोगिता है जो मालिक की बात ही ना माने? तो कामदेव ने भी वही किया उल्टा काम, जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर दिया। क्या नहीं करना था? बोले जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष वस नाम ते निज निज मर जात तजिस भय सकल बस काम। सबको मैं तो काम उत्पन्न कर दिया और भय काम बस जोगी तापस। इनको किसने कहा था इनमें काम उत्पन्न करो? पाव रही की को कहे देखई चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। जो ब्रह्म में लीन रहने वाले महात्मा वो कामी हो गए। अबला बिलो कही पुरुष जग सब पुरुष सब अबला मयं और दोई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयं। दो घड़ी में सारे ब्रह्मांड में काम उत्पन्न हो गया और जिनमें करना था जिनके लिए भेजा था वहां नाकाम हो गए। सकल कला करी कोटि विधि हारे हुसैन समेत लेकिन चली ना चल समाधि शिव तो कोपे हृदय निकेत। भगवान महादेव के मन में काम उत्पन्न नहीं कर पाए तो क्या किया? 5 बाण मार दिए तेज। उनको लगा मैं इतना उपदेश दे के आया और देवताओं को इतना डांट के आया, अभी काम नहीं हुआ तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। मारे 3 बाण, जैसे ही मारे महादेव की समाधि टूट गई और समाधि टूट गई इधर उधर देखने लग गए। ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने मेरे हृदय में काम उत्पन्न कर दिया? भयउ ईस मन क्षोभ पिसेखी और नयन उघारी सकल दिशि देखी तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका आम के पीछे जाके छू गए काम। देखिए कामदेव भी बड़े चालाक, उनको लगा इस समय दो ही लोग बचा सकते हैं, या तो राम बचा सकते हैं या दूसरा आम बचा सकते हैं। अब आम कैसे बचाएंगे? क्योंकि यही तो वो वृक्ष है जो हमारे नारायण को बड़ा प्रिय है। आब छाह करी मानस पूजा, भगवान की पूजा आम के वृक्ष के नीचे ही होती है। तुरंत जाके छुप गए सौरभ पल्लव मदन पिलोका तो भयउ कोप कंपे उतरे लोका। महादेव ने कहा चिंता न करो,
हम आम को कुछ नहीं होने देंगे। माताओं बंधुओं, एक पत्ता भी नहीं जला है। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, जिस तीसरे नेत्र के खोलने पर सारी सृष्टि में प्रलय आ जाती है, वो तीसरा नेत्र महादेव खोल रहे हैं, लेकिन कौन भस्म हो रहा है। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव केवल जल गए। रति माता दौड़ के आई। रति माता ने कहा, वाह प्रभु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आपने मेरे पतिदेव को जला दिया ना, तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद परोपकार करना बंद हो जाएगा इस संसार में। और यदि जलाना ही था तो साथ में जलाइए उन देवताओं को भी जिन्होंने मेरे पतिदेव को भेजा। प्रभु उनको तो जलाया नहीं आपने, और मेरे पतिदेव को जला दिया। महादेव ने कहा, चिंता न करो देवी, मैंने उनको जला इसलिए दिया है कि अब कोई और इसके बाद जला नहीं पाएगा उनको। मैंने उनको वरदान दिया है, ये दंड नहीं दिया देवी। कैसे? कहा ऐसे कि अभी तक वो सगुण साकार होकर घूमते थे, तो एक समय पर एक ही जगह एक ही काम कर पाते थे। अब मैंने उन्हें निर्गुण निराकार बना दिया है, अब वो एक ही समय पे सारे विश्व में व्याप्त रहेंगे। बताओ ये वरदान हुआ कि नहीं? अब ते रति तब नाथ कर होई है नाम अनंग, और बिनु बप व्याप ही सब ही अब सुनु निज मिलन प्रसंग। कहा प्रभु हमारा मिलन कैसे होगा? बोले मिलन का उपाय भी बता दे रहा हूँ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और होई है हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्य था होई न मोरा। प्रद्युम्न भगवान के रूप में अभी तक तो कामदेव थे, आप बताइए साक्षात नारायण के पुत्र बन के उत्पन्न होंगे, ये वरदान है कि नहीं? तब आपकी भेंट मायावती के रूप में उनसे हो जाएगी। कथा आप लोग सुन चुके हैं और जानते भी हैं। माताओं बंधुओं, भगवान ने कामदेव को भी जला दिया, माता रति को वरदान भी दे दिया। देवताओं ने कहा, अब प्रभु जाइए और जाके महादेव को मना लीजिए कि बस विवाह हो जाए। नंदी पे सवार होके महादेव बारात लेके चलने को तैयार हो गए, ध्यान दीजिएगा। अब जब चलने को तैयार हुए ना माताओं बंधु, तो वहां और भी देवता आए थे। सब लोग ध्यान दीजिएगा, बारात है महादेव की, चलेंगे विवाह होगा, तो सब कोट पैंट टाई में आए थे, तैयार होके सूटेड बूटेड कोटेड पैंटेड हैटेड सिगरेटेड। तो सब जितने लोग आए थे उन्होंने देखा, अरे बाप रे ये दूल्हा। अच्छा एक तो सब लोग तीन तीन दिन से नींबू पानी पी के आए थे, ध्यान दीजिएगा बारात में। कारण ये है कि माता सती के देहावसान के बाद कोई पार्टी तो हुई नहीं थी, कोई शादी तो हुई नहीं थी, तो मटर पनीर और ये सब मिलना कहाँ मिलेगा। तो फिर महादेव का विवाह था, तो सोचा अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, तो दो दो तीन तीन दिन से सब लोग नींबू पानी में थे। और आकर के देखा कि अरे बाप रे ऐसा दूल्हा, अब तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा और दुर्गति अलग ना हो जाए। नारायण इस बात को समझ गए। नारायण ने कहा, इधर आइए, आप लोगों को भोजन पानी करना है ना, तो आप उनकी क्यों चिंता कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ आइए, हम लोग चलते हैं और आपका पहले भोजन पानी की व्यवस्था करा दें। महादेव समझ गए इस बात को। वैसे भी दूल्हे के पास जिम्मेदारी नहीं रहती बारातियों के खाने पिलाने की, दूल्हे का मित्र व्यवस्था करता है हर शादी विवाह में, ध्यान दीजिएगा। तो महादेव नारायण ने कहा, राम जी ने हमारे पास आइए। विष्णु कहा अस भी हसी, तब बोली सकल दिसिराज कि बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। अलग अलग चलो। तो महादेव ने कहा कि अलग क्यों ले जा रहे हैं, ये तो हमारे साथ बारात आए थे। राम जी ने कहा ऐसा है, यदि आप इनको अपने साथ रखना चाहते हैं तो ये कोट पैंट में आए हैं, कोट पैंट पहनिए, इनके जैसा बनिए। सुर समाज सब भांति अनुपा, लेकिन नहीं परात दूल्हा अनुरूपा, इनके जैसे बनिए। महादेव ने कहा मैं तो ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा, ध्यान दीजिएगा। माताओं बंधुओं, जो अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता ना जो व्यक्ति, और गलत ना हो। एक दिन एक शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। याद रखिएगा, भेड़ चाल देख करके अपने सिद्धांतों से समझौता मत कर लीजिएगा कभी जीवन में, कि जैसी दुनिया कर रही है हम भी वैसा ही करेंगे। महादेव ने कहा ये कोट पैंट पहन के आए हैं, तो क्या मैं भी इनके लिए कोट पैंट पहन लूं? नहीं,
यदि ये भी मेरी तरह भूत लगा सकते हैं तो मेरे साथ चलने को तैयार हो। तो नारायण जी का ये भूल जाइए, ये नहीं होगा, आपको अकेले ही जाना है। तो कहा नहीं नहीं अकेले मेरी बारात, फिर मैं कैसे जाऊंगा अकेले। भगवान राम ने कहा एक बात बताइए, आप इन कोट पैंट वालों को बुलाए हो, अरे प्रभु वो आपके साथी कहाँ है जो सदैव आपके सुख दुख में साथ देते थे, वो आपके रुद्रगण क्यों नहीं आए यहाँ पे, आपने इन लोगों को बुला लिया इस बार। महादेव ने कहा ऐसा है, पिछले विवाह में हम उन्हीं को बुलाए थे, उन्हीं कोट पैंट वालों को, तो जो दुर्गति हुई पिछले विवाह में की क्या बताए क्या। अरे कहा शादी में जब पंगत बैठी ना माताओं बंधुओं, तो परोसने वाला पहले पे ही आकर के एक घंटा खड़ा रह गया। वो सोचा कि इसको इसका मुंह तो दिख नहीं रहा, पेट ही पेट दिख रहा है, तो ये खाएगा कैसे समझ नहीं आ रहा है। तो राम जी ने कहा एक आगे बढ़ा देता पंगत, दूसरे को परोस देता। कहा दूसरे तक पहुंचा तो बेहोशी हो गया। अरे उसने देखा कि इसका पेट तो एक है और मुंह दस दस दिख रहे हैं, तो एक थाली लगाऊं कि दस थाली लगाऊं, ये एक मुंह से खाएगा कि दस मुंह से खाएगा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर को बहु पद पाहू, विपुल नयन को नयन बिना, और हष्ट पुष्ट को अति तन खीना, इसलिए नहीं लाया। राम जी ने कहा जैसे भी हैं आपके दुख सुख के साथी वही हैं, उनको अवश्य बुला के लाइए, वही बाराती चलेंगे। तो अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, और भ्रंगी ही प्रेरी सकल धन तेरे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा थी, अब क्या हुआ, अब जस दूल्हा तस बनी पराता, और कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब दूल्हा भी वैसा है, बारात भी वैसी है, चल पड़े माताओं बंधुओं। माताओं बंधुओं वहां बारात लेके नारायण पहले पहुंच गए, ध्यान दीजिएगा। तो जब पहुंच गए तो लड़की वाले तो इंतजार कर ही रहे थे, दूर से पता पड़ जाता है डीजे चला रहा है और बचता हुआ और सब बाराती आ रहे हैं। तो उनको लगा इतनी भीड़ देखे कि ये सब बाराती हैं, और इनमें जो सबसे सुंदर हमारे पीताम्बरधारी नारायण लग रहे थे, तो इनको लगा यही दूल्हा है जो सबसे सुंदर है। वाह वाह दूल्हा गया दूल्हा गया। तो भगवान राम ने कहा कि हम दूल्हा नहीं है, हम दूल्हा के सहबाला है। तो इतना सुना तो और भी प्रसन्न हो गए, उनको लगा वाह जब सहबाला इतना सुंदर है तो दूल्हा पीछे से कितना सुंदर चला रहा होगा, और ये सोच के भागे वो दूल्हा की अगुवाई कर गए। तो माताओं बंधुओं दूल्हा को लेने जब गए ना वो, तो वो तो बाद में दूल्हा को देख पाए, लेकिन पहले जिन जिन वाहनों पे बैठ के गए थे ना वो, उन्होंने दूल्हा को देख लिया। अरे भाई घोड़े ने दूर से देखा दूल्हा, तो दूल्हा तो दिखा नहीं सब फुकारा सर। हाथी ने देखा दूर से दूल्हा, ऊंट ने देखा दूर से दूल्हा, भागे पलट के सारे लोग सारे वाहन। तो कोई लटकता हुआ चला जा रहा था, कोई घसीटता हुआ चला जा रहा था, कोई कचरता हुआ चला जा रहा है। अब जानवर थोड़ी समझ रहे हैं, जानवरों को अपनी जान बचानी है। तो सुर समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, सारे वाहन भाग गए। अब माताओं बंधुओं घर आके बोलते हैं, लड़की वाले सब घर में इंतजार कर रहे थे, अरे अरे कैसा है दूल्हा, कैसी है बारात, कैसा सब है। सबने कहा अरे चुप रहो, चुपचाप खिड़की दरवाजे बंद कर लो, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, और खबरदार किसी ने आवाज भी मुंह से निकाली तो। क्यों दूल्हा नहीं आ रहा, बारात नहीं आ रही। अरे उन्होंने कहा कोई बारात वारात नहीं आ रही है, ये साक्षात जमराज की सेना है जो सबके प्राण लेने यहाँ चली आ रही है, ये तो अफवाह उड़ाई गई है कि कोई शादी की बारात आ रही है। क्या कहा कही का, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, कही का कही जात न पाता, और जमकए धार किंधो बरियाता, बारात नहीं है और वो दूल्हा दूल्हा नहीं है। आज तक तो दूल्हे को घोड़े पे आते देखा है, अरे वो सांड पे चढ़ के आ रहा है, सांड पे। अरे भाई सांड यहाँ आ जाए तो हम लोग डर के मारे भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे, आप बताइए। बैल बिडर जाए तो न जाने कितने लोगों को ऊपर चढ़ जाए मार दे। अरे कहा वो सांड को लेके आ रहा है, बरु पौरा बस असवारा,
प्याल कपाल विभूषण छारा, बहुत लगा रखा है, न जाने कितने लोगों को मार के पहले आया है, सबकी खोपड़ी की माला पहन के घूम रहा है वो, तो पागल है वो। अरे बिल्कुल दूल्हा नहीं है, बारात नहीं है। और कहते हैं सुनो, आज जो इस बारात को देखकर जीवित रह जाए ना, समझ जाना न जाने कितने जन्मों का उसने पुण्य किया होगा। जो आज इस बारात को देखने के बाद भी जिंदा बच जाए तो बहुत बड़ा पुण्य होगा उसका, कि जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही सो उमा विवाह घर घर, बात असी लड़िकन कही। बच्चों ने आकर के ये बात बताई, माताओं बंधुओं बच्चों ने सबको बताया, सब डर गए। माता मैना को तो ये मालूम नहीं था। माता मैना ने देखा, वाह दूल्हा आ रहा है, आरती की थाली सजाई, भागी, दौड़ के भागी और अर्घल में लोटे में अर्घे का जल लिया। और जैसे ही जाकर देखती हैं, आरती ऊपर करती हैं दामाद की आरती करने के लिए, और पुकारता है सांप, तो थाली अलग फेंक के भागती हैं, लोटा अलग फेंकती हैं, दौड़ती हैं अंदर। तो महादेव कहते हैं, प्रभु अब करा लीजिए आप विवाह, हम तो आपकी सब बात मान लिए। महादेव तो चाहते ही थे किसी प्रकार विवाह टल जाए। कहा अब हो गया विवाह? अरे भाई, जिसका पहली बार ऐसा अपमान हो गया हो ससुराल में, क्या उसका फिर विवाह होगा? देखिए सासू जी ने कैसे फेंका सब, आरती थाली फेंक दी, लोटा फेंक दिया, कितना अपमान हो गया मेरा, अब क्या विवाह होना है? राम जी ने कहा, देखो महादेव, कोई अपमान नहीं हुआ है आपका, ये तो सम्मान हुआ है। क्या वाह साहब, जैसे कि हम जानते ही नहीं है कि अपमान और सम्मान में क्या फर्क होता है। हम अपमान और सम्मान से परे जरूर हैं, लेकिन ये थोड़ी कि हम जानते नहीं है कि क्या अपमान कहना होता है और क्या सम्मान कहना होता है। अच्छा कहा, लेकिन हम भी जानते हैं सम्मान हुआ है। कहा कैसे सम्मान हुआ? वो आरती फेंक दी, सम्मान है, बिल्कुल सम्मान है। कैसे? कहा जब माता मैना आरती की थाली लेकर के आई और दिए से जब ऊपर चमकते देखा कि जिस मेरे दामाद के मस्तक पर साक्षात द्वितीया का चंद्रमा चमक रहा हो, जो तीनों लोकों में रात्रि को प्रकाश देने के लिए सामर्थ्यवान हो, उसको एक छोटा सा दिया दिखा के अपमान करूं मैं उसका? फेंक दिया इसने दिया चंद्रमा को देखकर। कहा अच्छा, और वो अर्घे का जल? कहा माता जब अर्घा देने के लिए लोटे में जल लाई और उन्होंने देखा कि मेरे दास जिस दामाद की जटाओं में तीनों लोगों को पावन करने वाली गंगा की अविरल धारा बह रही हो, उनको छोटा सा लोटे का जल दिखा के अपमान करूं मैं उनका? माताओं बंधुओं सम्मान हुआ है। राम जी कहते हैं पूर्ण सम्मान हुआ है आपका। और नारद जी से कहा, नारद जी जाकर के तुरंत समझाइए, विवाह के लिए बताइए माता मैना भाग गई। नारद जी ने कहा, आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं है प्रभु। आपको क्या हो गया नारद जी? कहा नारद जी ने कहा, प्रभु महादेव विवाह करना नहीं चाहते, मैं जब से देख रहा हूं उनको, और आप जबरदस्ती विवाह करवा रहे हैं, और हम विवाह करना चाहते थे तो हमारा आपने विवाह होने नहीं दिया। भगवान ने कहा, ऐसा है नारद जी कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे ही नट मरकट की नाई, मनुष्य स्त्री के वश में आ करके और जीवन भर बंदर बन के घूमता है, तो उससे अच्छा हुआ कि हमने आपको एक ही दिन का बंदर बना के और सारे जीवन भर के बंदर बनाने से बचाया कि नहीं बचाया? अच्छा तो हमको बचा लिया प्रभु, तो ये कृपा आप महादेव पे क्यों नहीं कर रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे हैं? नारद जी, दरअसल बात ये है कि भगवान महादेव अपनी ही पत्नी से विवाह नहीं करना चाह रहे। अरे भाई, ये सती उनकी पत्नी है। अच्छा, और प्रभु हम? कहा नारद जी, दरअसल आप हमारी पत्नी से विवाह करने के लिए दौड़ गए थे। भाई माया प्रभु की पत्नी है, कहा अपनी बीवी से कैसे हम आपका विवाह करा देंगे? जाइए जल्दी जाके माता मैना को समझाइए। माता मैना कहती है, सुनिए जी, मैं हिमालय के सिर से कूद जाऊंगी ऊपर से जाकर के। भाई पर्वत है, पर्वत से तो कूदेंगी, हिमालय की खोपड़ी से जाके क्यों ना कूद जाऊं, समुद्र में जाके माँ बेटी क्यों ना डूब जाए, दोनों माँ बेटी आग क्यों एक दूसरे को ना लगा ले, लेकिन जीवते जी मैं ऐसे पागल व्यक्ति से अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगी। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो,
जलनिधि मह परो घर जाई अब जस होई जग। लोग यही कहेंगे ना कि बारात वापस चली गई, लड़की में कोई खोट होगी, जीवन भर पा लूंगी मैं। घर जाई अब जस होई जग, जीवत विवाह न हो करो, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। और माता पार्वती के लिए कहती है, नारद जी के लिए माता मैना कहती है कि मैंने नारद जी का सदैव सम्मान किया, सदैव दक्षिणा दी, न जाने किस जन्म का बदला मुझसे ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर चिन्ह बसत उजारा, साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर ढालक लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव की पीरा। वो क्या जानेगा जिसने कभी संतान जिसकी ना हो, वो संतान का कष्ट क्या होता है क्या समझेगा नारद। माताओं बंधुओं, माता पार्वती ने क्या जवाब दिया जानते हैं? बस यही एक सूत्र और बता के और हम लोग आप इसे दे आएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं है। माताओं बंधुओं, जानते हैं माता पार्वती ने क्या जवाब दिया? आप लोग डायरी में नोट रख लीजिएगा, और मैं 9 दिन तक ये निवेदन करूंगा कि रामचरितमानस यही सब सिखाने के लिए राम कथा होती है, और कोई बात नहीं। माता पार्वती कहती है, माता आप दुखी हो रही हैं, कर्म लिखा जो पाउर ना हो, तौकत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटी कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, और जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। माता कलंक मत लो, करुणा त्याग दो, ये समय नहीं है। और ये आगे की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, क्योंकि दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। माता यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है ना, तो किसी बड़े घर में भी जाके दुख पाऊंगी, और यदि सुख लिखा है तो हो सकता है कि किसी गरीब की झोपड़ी में भी सुख की प्राप्ति करूं। इसलिए माताओं बंधुओं सदैव याद रखिएगा, सुख का मापदंड पैसा नहीं होता, बिल्डिंग नहीं होती, पद नहीं होता। कई बार मध्यम वर्गीय परिवार में भी जाके बेटी प्रसन्न रहती है, और कई बार बड़े बड़े अफसरों के यहाँ जाकर भी संगमरमर खुशी नहीं देते, ध्यान दीजिएगा। अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, माता जानकी को ही देख लीजिए। जब श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने माता जानकी को कुश की चटाई पे सोते हुए देखा ना, तो आह निकल आई। लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया परमात्मा जिसको जो दिखाना चाहता है दिखा देता है, ये देखो ये वही माता जानकी है, ये वो जानकी जी हैं जो पिता जनक जग विदित प्रभाव, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी जिनके पिता हो, ससुर सुरेश सखा रघुराव, ससुर साक्षात चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी जिनके इंद्र के यहाँ आना जाना है, पति भी कोई ऐरा गहरा नहीं, रामचंद्र पति सोपे ते ही सोवत मही, देखो आज जमीन पे सो रही है, विधि पाऊं न के ही, विधाता जिसको जो दिखाना चाहता है वो दिखा ही देता है।